हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन रनवे 90। और आज मैं अपने चैनल पर आपको लेकर आई हूँ टेरेस गार्डन दिखाने के लिए। ये मेरा टेरेस गार्डन है और यहाँ पर हमने लगाई हैं लौकी की बेल। और यहाँ पर इस समय कम से कम 14 से 15 लौकी आप देख सकते हैं और बहुत बड़ी बड़ी लौकी लगी हुई हैं। आजकल ऑर्गेनिक जो फूड या वेजिटेबल है उसका ट्रेंड काफ़ी चल रहा है, तो क्यों ना ऑर्गेनिक वेजिटेबल को अपने छत पर लगाया जाए और उसका यूज़ किया जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं और दिखाती हूँ। देखिए, ये रही लौकी। तो 14 से 15 लौकी इस समय यहाँ पर लगी हुई हैं। आप इन लौकी का जूस बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। तो आप भी अपने छत पर जाइए और ये ऑर्गेनिक लौकी लगाइए और इसका फ़ायदा उठाइए। आज मैं यहाँ पर आपको अपने मॉम के हैंड की एक सिंपल, हेल्दी, कम तेल और मसाले में बनी हुई एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पेड़ से तोड़ी हुई ऑर्गेनिक लौकी, ताजी लौकी, इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट किया है मम्मी ने इसको। अब एक पैन लेना है और पैन में, मैं आपको टिप बता रही हूँ, आप लौकी की सब्जी को हमेशा घी में छौंकिएगा। घी से लौकी की जो सब्जी है उसका टेस्ट बहुत निखर जाता है। और आपको सिर्फ हींग और जीरे में से छौंकना है। और इसके बाद में एक टमाटर डाला है, टमाटर को हम कुक होने देंगे। इसके बाद थोड़ी सी हल्दी और धनिया पाउडर इसमें डालेंगे, हम मिक्स कर देंगे। और इसके बाद में जो हमारी ऑर्गेनिक लौकी है जिसे हमने अभी अभी तोड़ा है, उसे हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इस सब्जी को। और अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद भी मिक्स कर देंगे और इसे ढककर हमें 15 से 20 मिनट तक पकाना है। और बीच बीच में ऐसे चलाते भी रहना है, नहीं तो आपकी सब्जी जल सकती है। ये देखिए, 15 से 20 मिनट के बाद जब सब्ज़ी पक जाए तो एंड में आप इसमें लाल मिर्च पाउडर डालें, चाहें तो थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। मसाले इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये सब्ज़ी बनकर तैयार है। इन्जॉय द रेसिपी। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।